काशी तमिल संगमम विश्व के सबसे प्राचीन और जीवंत शहर वाराणसी की मिट्टी पर भारतीय संस्कृतियों का अद्वितीय मिलन, जिसकी कहानी कहती है गंगा की अविरल धारा। पिछले वर्ष तमिल कैलेंडर के अनुसार ये था कार्तिकेय का पवित्र महीना और इसी पवित्र महीने में वाराणसी बना था साक्षी काशी तमिल संगमम के प्रथम भव्य आयोजन का। काशी तमिल संगमम ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन की वीणा के तार को झंकृत किया और प्रधानमंत्री जी के पंच प्राण में से एक विरासत पर गर्व को भी दी मजबूती। प्राचीन भारत की शिक्षा और संस्कृति के दो केंद्र वाराणसी और तमिलनाडु के एक माह तक चलने वाले इस अद्भुत और अविस्मरणीय मिलन को देखकर ऐसा लग रहा था कि देवलोक बनारस के घाटों पर उतर आया हो। पिछले वर्ष के काशी तमिल संगमम के आयोजन में हजारों लोग तमिलनाडु से वाराणसी आए थे। दोनों क्षेत्रों की कला, संस्कृति, व्यंजन, व्यवसाय आदि का हुआ था आदान प्रदान। इसके अलावा वाराणसी के ग्रामीण बच्चों के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा विद्या शक्ति कार्यक्रम और तमिलनाडु के शंकर नेत्र अस्पताल के वाराणसी केंद्र का हुआ था शिलान्यास। अपनी उसी ऊर्जा, उसी भव्यता और उसी पवित्रता के साथ काशी तमिल संगमम दे रहा है दस्तक एक बार फिर से वाराणसी और तमिलनाडु के हृदय पर। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान विज्ञान और समाजों, संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण जो आधुनिकता की उंगलियां भी पकड़े हुए है और जिसकी जड़ों में है संस्कृति और लोकाचार की शिक्षा। 17 से 30 दिसंबर तक वाराणसी में चलने वाले इस संगमम की शुरुआत तमिल कैलेंडर के अनुसार मार्गली के उस पवित्र महीने से हो रही है जब सभी मंदिर सूर्योदय से पहले खुलते हैं और लोग पवित्र नदियों में लगाते हैं डुबकी। काशी तमिल संगमम के इस प्रारूप में जागरूकता का सृजन और आउटरीच तो होगा ही, साथ ही लोगों का लोगों से जुड़ाव और सांस्कृतिक गठबंधन पर होगा जोर। इसके अलावा स्थानीय बुनकरों, कारीगरों, उद्यमियों और लेखकों के साथ जुड़ाव और बातचीत पर भी होगा फोकस। संगमम में हिस्सा लेने वाले 1400 प्रतिनिधियों को 7 समूहों में विभाजित किया जाएगा। प्रतिनिधियों द्वारा काशी विश्वनाथ और अन्य मंदिरों के दर्शन के साथ साथ सारनाथ, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा भी की जाएगी। 15 दिनों की इस अवधि के दौरान साहित्य, कला, योग, अकादमिक आदान प्रदान, आधुनिक नवाचार, एडुटेक, सेमिनार और नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी के भी दिखेंगे रंग। संगमम में नमो घाट पर सांस्कृतिक दलों द्वारा तमिल और काशी संस्कृतियों की झलक का भी होगा प्रदर्शन। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल करेंगे आपको मंत्रमुग्ध। दोनों संस्कृतियों के व्यंजन की खुशबू भी होगी हवा में और स्वाद का जादू भी सिर चढ़कर बोलेगा। आध्यात्मिक सर्किट भी बांध लेगा आपको अपनी पवित्रता के बंधन में। बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और एकता के धागों से बुने संगमम का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उद्घाटन।